नमस्कार, घर का खाना सेहत खजाना में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर के आए हैं आम के अचार को बनाने का परसों पुराना तरीका, जो कि एकदम रियल एंड करेक्ट तरीका है आम के अचार को बनाने का। इस तरह से बना हुआ अचार स्वाद में बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, फ्लेवरफुल एंड टेस्टफुल होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे कई सालों से हमारे दादी नानी इस अचार को बनाते आ रहे हैं। तो आज हम वही असली तरीके से आम के अचार की रेसिपी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। इस अचार की खास बात और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वाद और सेहत से भरपूर ये अचार सालों साल चलता है। जितना पुराना होता है उतना टेस्ट बढ़ता रहता है। जी हाँ, कई सालों तक आप इस मज़ेदार चटपटे अचार का मज़ा ले सकते हैं। आम का अचार तो सभी का फेवरेट होता है, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए घर पर आम के अचार को कैसे बनाएं, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। दोस्तों, आम का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे कच्चे आम, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आम देख रहे होंगे आप बिल्कुल कच्चे हैं, ज़रा भी पके हुए नहीं हैं। बस हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है। तो ये हमने 5 किलो करीब आम लिए हैं और आम का अचार बना रहे हैं, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आम के अचार को बनाने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और ये सालों साल चलता भी है, ख़राब नहीं होता जल्दी। तो ये आप ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। दोस्तों, आम को आप घर पे भी कट कर सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, या फिर आप जो आम बेचते हैं उन भैया से भी कट करवा सकते हैं। आजकल तो कट कर देते हैं, उनके पास होता है आम को कट करने वाला नाइफ, तो ये हमने उन्हीं से कट करवाया है। तो जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से आम के पीसेस को कट कर सकते हैं, जो भी साइज़ में आपको चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज़ या छोटा साइज़, जैसा आप चाहें। दोस्तों, आम को कट करने के बाद आपको इसे अच्छे से धोना है करीब 3 से 4 बार, ताकि जो भी डस्ट या डर्ट हो वो सब निकल जाए पानी के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आम गीले लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे धो चुके हैं। आम के टुकड़ों को धोने के बाद इसके पानी को आपको अच्छे से निकाल लेना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। या तो आप पंखे के नीचे रख लीजिए या कुछ देर तक आप इसको ऐसे इसमें रहने दीजिए, जिससे आम का जो भी पानी होगा धोने के बाद जो रह जाता है थोड़ा बहुत पानी, वो अच्छे से निखर जाए। तो दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि आम के टुकड़ों में ज़रा भी पानी नहीं दिख रहा है, पीसेस थोड़े सूखे हुए लग रहे हैं। तो अब जो हमारा अगला प्रोसेस है वो है थोड़ा सा मसाला डालने का, जैसे कि हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच करीब नमक, तो ये 1 चम्मच हम डाल चुके हैं, 2 चम्मच भी हमने डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, तो अब 1 चम्मच करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो डाल दी हमने हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लीजिए, ताकि हल्दी और नमक दोनों अच्छे से मिक्स होके आम के टुकड़ों में अच्छे से चारों तरफ से कोट हो जाए। दोस्तों, अब आपको लेना होगा कंटेनर, तो कंटेनर आप हो सके तो कांच का लीजिएगा, या फिर अचार बनाने वाली जो बर्नी आती है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों में से कोई भी कंटेनर नहीं है तो आप इस तरीके से साफ़ सूखा एयर टाइट ये प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। अब जो ये आम के टुकड़े हैं जिसमें हमने हल्दी नमक कोट किया हुआ है, इन पीसेस को हम इन कंटेनर में डालेंगे, चाहे आपका 1 कंटेनर में आ जाए चाहे आपके 2-3 कंटेनर लगे, तो आपको इन्हें कंटेनर में रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 2 कंटेनर लगे हैं इन आम को रखने के लिए, एक बड़ा वाला और एक इससे थोड़ा छोटा। अब ये आम से भरे कंटेनर आपको छत में रखना है, धूप में करीब 1 दिन तक, जहाँ भी धूप आती है आप वहाँ रख दीजिए इन कंटेनर को। तो दोस्तों, 1 दिन पूरा हो चुका है आम को हमें इस तरीके से धूप में रखे हुए, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे आपको डब्बे के नीचे की तरफ ये पानी दिखाई दे रहा होगा पीला पीला सा, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें नमक और हल्दी डाला था। तो नमक और हल्दी क्या करता है, आम के अंदर से जो भी पानी होता है जो अचार को ख़राब कर सकता है वो पानी को ये निकाल देता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आम के अचार को बनाने से पहले आपको करना होता है, ताकि आपका अचार सालों साल चले और वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इससे आम का अचार आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत टाइम तक चलता है। तो दोस्तों, अब आपको ये बड़ी परात वाली छलनी लेनी है, इसमें ये आम के पीसेस को रखना है, जिससे कि जो नमक हल्दी लगाकर जो आम में से पानी निकला है वो सारा पानी इसमें से बाहर निकल सके। तो थोड़ा थोड़ा पीसेस करके हम इसमें आम को डालेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आम इसमें नहीं आ पाएंगे छोटे से परात में। तो इस तरीके से हम आम के पीसेस को थोड़ा उलटते पुलटते इसमें से जो भी पानी है वो सारा हम इस छलनी द्वारा निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे परात में इतना सारा नमक हल्दी डालने के बाद पानी निकला है इन आम के पीसेस में से। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरे प्रोसेस में हमें यहाँ पर कपड़ा बिछाना है धूप में ही, और इस तरीके से बिछाने के बाद ये जो पीसेस हैं इसको आपको इसमें फैला देना है। अब जो हमारा दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने आम के पीसेस को रखा हुआ था, तो उसमें से भी ये पानी निकला हुआ है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से।
आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी निकला है, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर हमने खाली किया है जिसमें आम के हमने पीसेस रखे थे। तो इसमें से सारे पानी को हम निखरने देंगे। तो कुछ देर तक हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं ताकि जो भी पानी है वो सब अच्छे से निखर जाए। तो दोस्तों, ये जो आम के पीसेस में से निकला हुआ पीले रंग का पानी है, इस पानी को आपको फेंकना है। तो दोस्तों, ये पानी किसी काम का नहीं है, ये वो पानी है, अगर आम के अंदर रहता तो आपका आम का अचार ख़राब हो सकता था। तो इसे आप फेंक दें और ये जो आम है इसको हम इसी कपड़े में डालकर फैला देंगे अच्छे से। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं हमने आम के एक एक टुकड़े को अच्छे से फैला दिया है। इस तरीके से आपको फैलाना है और करीब एक दिन तक आपको धूप में रखना है। इससे ज़्यादा दिन तक ना रखें वरना आम के जो पीसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। और इसके अगले दिन आम को आप इस तरीके से बड़े से परात में रख लीजिए। ये देखिए, पूरे एक दिन बाद ये आम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे आम बिल्कुल भी ज़्यादा सूखे नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन की धूप इसमें लगानी थी। तो एक दिन की धूप हम इसमें लगा चुके हैं। तो ये बहुत ही पुराना तरीका है अचार बनाने का, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से अचार को बनाते हैं सालों साल चलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड टेस्टफुल होगा और खुशबू तो कमाल की होगी, क्योंकि अब जो हम इसमें मसाले डालने वाले हैं उसकी खुशबू तो कमाल की होगी ही। साथ में एक एक मसालों का, जो भी मसाले हम इसमें डालेंगे उनका कमाल का फ्लेवर आपको मिलेगा। जो भी मसाले इसमें जाएंगे वो सेहतमंद तो है ही, साथ में इन आम के पीसेज में मिलकर वो सारे मसाले बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अचार बनाने के लिए किन किन मसालों का इस्तेमाल हो रहा है आइए देख लीजिए। तो उनमें से है सबसे पहले सौंफ, 100 ग्राम सौंफ हमने लिए हैं। सौंफ तो आप जानते हैं इसकी खुशबू कितने कमाल की होती है और जब अचार में मिलता है तो टेस्ट कितना ज़्यादा ये बढ़ा चढ़ा देता है। दूसरा जो मसाला ले रहे हैं हम वो है दोस्तों सरसों के दाने। सरसों के दाने दो कलर के आते हैं, एक येलो कलर का और एक इस तरीके से ब्लैक कलर का। तो आपको ये ब्लैक कलर वाले दाने लेने हैं और ये राइस से थोड़ा मिलता जुलता है, काफ़ी मिलता जुलता है थोड़ा क्या, और वो बस इससे छोटे होते हैं और ये थोड़े मोटे होते हैं। तो राई नहीं लेनी है आपको, सरसों के दाने लेने हैं और ये सरसों के दाने भी हमने करीब 100 ग्राम लिए हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों मेथी, ये भी करीब 100 ग्राम है। तो दोस्तों, मेथी तो आपको पता ही है कि ये कितना अच्छा इसकी खुशबू होती है जब अचार में इसे हम डालते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है, बहुत ही सेहतमंद मसाला है और अचार का तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है कलौंजी और ये करीब 25 ग्राम है, जिसे ब्लैक सीड्स, काला जीरा या फिर अनियन सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये है दोस्तों हमारा जीरा, जिसे हमने 50 ग्राम करीब लिया है। तो दोस्तों, ये थे वो पाँच खड़े मसाले जो आपको लेने हैं, जैसे कि सौंफ, सरसों, तीसरा हमारा था मेथी, कलौंजी और जीरा। तो दोस्तों, इन सभी मसालों को इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है इन सभी मसालों को भूनने की। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। तो सबसे पहले हम मेथी भून रहे हैं, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मेथी को भूनने में टाइम लगता है, तो इसे हम अकेले ही भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और थोड़ा धुआँ छोड़ दे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, लो फ्लेम में आप इसे भूनिएगा। तो दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे ताकि इसमें जो नमी हो वो निकल जाए। अब देखिए दोस्तों, मेथी का कलर चेंज हो गया है और हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, धुआं भी इसने छोड़ दिया है, चटक रहे हैं दाने। तो गैस को अब हम इस स्टेज पर बंद कर देंगे और ये बड़ी सी प्लेट में इसको हम रख देंगे, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम अपना सौंफ भून लेते हैं। तो वही सेम कढ़ाई ली है, इसमें हमने सौंफ को रख दिया, गैस को हमने चालू कर दिया और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे भूनेंगे। जब तक इसमें हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, धुआं छोड़ दे और हल्की हल्की सुगंध आ जाए, बस इतना भूनना है। तो करीब भूनने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चुकी हैं, सौंफ में से धुआं आना शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी हल्की हल्की सुगंध भी इसमें से आ रही है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं, प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी तो सौंफ हमारा बहुत गर्म है, इसको हम हल्का ठंडा होने देंगे। दूर से आप देख रहे होंगे कि सौंफ का कलर काफ़ी चेंज लग रहा है, लेकिन अगर हम कैमरे के पास लाएँ तो एकदम हरा रंग है, जैसा सौंफ का होता है वैसा ही है। तो दोस्तों, सौंफ और मेथी तो हमारा भुन चुका है, तो अब हम भुनेंगे सरसों और इसी में हम डाल देंगे कलौंजी, क्योंकि सरसों और कलौंजी जल्दी भुन जाते हैं। तो साथ में डाल के हम भुनेंगे करीब 1 से 2 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे भुनेंगे। तो सरसों और कलौंजी दोनों एक साथ हमारे भुन चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे और प्लेट में इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों, फटाफट से जीरे को भी भून लेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छा भूनेंगे हल्का कलर चेंज होने तक, क्योंकि भुने हुए जीरे का जो टेस्ट होता है चारों बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो लो फ्लेम में भूनेंगे। तो लीजिए दोस्तों, जीरा भुन चुका है, फटाफट से गैस को बंद करेंगे, प्लेट में रख देंगे इसको। तो दोस्तों, मसालों को अब हम पीसेंगे, मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम एक एक करके मसालों को पीसेंगे, क्योंकि कुछ मसाले इसमें ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पीस जाते हैं और किसी को टाइम लगता है, थोड़ा हमें दरदरा भी पीसना है कुछ मसालों को। तो पहले हमने इसमें सौंफ डाला है, फटाफट से इसे पीस लेते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, सौंफ को हमने पीस लिया है और दरदरा पीसा है। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, इतना दरदरा हमने इसे रखना है। तो अब हम इसे प्लेट में रख देंगे और सेम इसी तरीके से हम मेथी को पीसेंगे। तो वही वापस हमने मिक्सी जार ले लिया, सेम उसी में हमने मेथी डाल दी। तो इसे भी हम सेम उसी तरीके से हल्का दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेथी हमारी पिस चुकी है और इसका टेक्सचर देखिए, हमने इसको हल्का दरदरा रखा है क्योंकि अचार में बहुत ही बारीक पिसे हुए मसाले या फिर बिल्कुल जो साबुत कई लोग डाल देते हैं, वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं जितना ये दरदरे पिसे हुए मसाले बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे भी हम अलग बोल में निकाल लेंगे। तो अब हम अपना ये सरसों कलौंजी के दानों को भी फटाफट से पीस लेते हैं। थोड़ा सा मोटा पीसेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, सरसों और कलौंजी के दाने पीस चुके हैं और इसे हमने थोड़ा मोटा पीसा है, अभी क्लियरली देख रहे होंगे। फटाफट से इसको हम किसी अलग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद अपना ये जीरा पीस लेंगे, भुना हुआ जीरा है तो इसको हम थोड़ा बारीक पीसेंगे क्योंकि बारीक पिसा हुआ जो जीरा पाउडर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है अचार में। तो ये देखिए हमारा मसाला पिस गया है, इसको भी अलग बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये खड़े मसाले तो हम पीस चुके हैं, इसके अलावा हमें मसालों में चाहिए होगा जैसे कि नमक, हल्दी हो गया। तो ये नमक लिया है सफ़ेद नॉर्मल नमक, करीब 3 चम्मच है। काला नमक हमने लिया है 1 चम्मच और हल्दी लिए हमने यहाँ पर, ये भी 1 चम्मच है। और हींग लिया है ये आधा छोटी चम्मच हमने लिया है। और ये है लाल सूखी मिर्च को कूट के हमने रखा हुआ है, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो 2 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ली है और यहाँ पे हमने लिया है जो बड़ी काली इलायची होती है, उसको जो दाने हैं उसको कूट कर लिया है आधा चम्मच करीब, और 1 चम्मच करीब हमारा ये काली मिर्च है, दरदरा कूट रखा है इसको। तो अब इन सब के बाद फटाफट से अचार को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये वही आम है जो हमने धूप में सुखाए थे, ये देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सही से सूखा हुआ है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। तो ये हमने सबसे पहले मेथी जो भून कर हमने पीसी थी वो हमने इसमें डाल दी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं पीसी हुई सरसों कलौंजी, इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ पाउडर, ये रहा हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये भी इसमें डाल दिया हमने, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 3 चम्मच नॉर्मल सफ़ेद नमक, हींग आधा चम्मच इसे ज़रूर डालिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है, साथ में सेहतमंद भी है, 1 चम्मच कुटी हुई सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने इसमें डाला है काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच जो काली इलायची के अंदर के दाने होते हैं उसको कूट के डाला है। और अब हम इन सभी मसालों को इन आम के टुकड़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे, चारों तरफ से कोट हो जाए इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो आम के पीसेस को हमने मसालों में अच्छे से कोट कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल सरसों का डालेंगे क्योंकि सरसों के तेल में ही अचार का असली टेस्ट आता है। कच्चा तेल आपको इस्तेमाल करना है, पका हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चा तेल हम डालेंगे। तो दोस्तों इसमें 0.5 लीटर करीब सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि 500 ग्राम हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाला डाला था वो तेल में अच्छे से मिक्स होकर इन आम के टुकड़ों के अंदर तक अच्छे से चिपक जाए। अब ये मसालों को तेल में मिक्स करने के बाद जो खुशबू आ रही है आम के साथ मिक्स होके, वो बताते बताते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अचार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अचार अगर आपको गोभी या आलू के पराठे या फिर दाल चावल के साथ मिल जाए तो खाने का स्वाद कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, मसालों में तेल डालने के बाद जो मसाले हैं वो कितने अच्छे से हमारे आम के टुकड़ों में अच्छे से लिपट गए हैं, कोट हो चुके हैं। दोस्तों आम के टुकड़ों में ये सारे मसालों को अच्छे से चिपकाने के बाद अचार बनाने का प्रोसेस अब करीब पूरा हो चुका है। तो बस एक साफ सूखा बड़ा सा एयरटाइट कंटेनर लेना है, चाहे तो आप कांच का कंटेनर ले लीजिए या फिर आप जो बर्नी होती है जिसमें अचार डाला जाता है वो ले लीजिए, या फिर इससे बड़ा सा प्लास्टिक का ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने सारा अचार इसमें हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों आम के टुकड़ों में मसाले वगैरह लगाकर जो हमने कंटेनर में इसको डाल दिया, तो ये जो प्रोसेस है आम के अचार को तैयार करने का वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अब बारी आती है इसके तैयार होने की, पूरी तरीके से बनने की, जिससे कि हम खा पाएँ। तो उसमें कितना समय लगेगा, उसमें दोस्तों आपको पूरा 1 हफ्ता लगेगा। इस बीच आपको आम के अचार को बीच बीच में चलाते रहना है, कोई तेल नहीं डालना है, कोई भी तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में इसको साफ़ सूखे चम्मच से ध्यान रखिएगा, लकड़ी की चम्मच हो सकती है, कोई भी चम्मच आप लीजिए, लेकिन साफ़ और सूखी होनी चाहिए, उसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। बस अब आप इसे धूप में रख लीजिए और बीच बीच में उस साफ़ सूखी चम्मच से इसको खिलाते रहिए, मिक्स करते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए इस आम के टुकड़ों को, और 1 वीक में आपका अचार खाने लायक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 1 हफ्ता हो चुका है, आप देख लेते हैं ये अचार 1 हफ्ते बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए 1 हफ्ते बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको पहले हम एक बार अच्छे से आम के टुकड़ों को इस तरीके से हिला लेते हैं ताकि जो तेल है वो ऊपर नीचे बराबर मिक्स हो जाए। इसके बाद ये देखिए आम का अचार खाने लायक हो चुका है, आप इसे खा सकते हैं।
छिलका जो है अचार का वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये अचार और भी ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा, क्योंकि अचार जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोस्तों अब आप देखिए इस चटपटे बेहद मज़ेदार आम के अचार को एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और अब आप क्लियरली देख सकते हैं अचार पहले से कितना ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट लग रहा है और इसका रंग भी देखिए कितना गजब का है और खुशबू तो बेहद मज़ेदार लग रही है। तो इतना स्वादिष्ट अचार बने और रंग भी ऐसा हो तो देख कर मुँह में पानी तो आ ही जाए। दोस्तों वैसे कई तरह के अचार आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो बात, जो स्वाद और जो शुद्धता घर के अचार में होती है वो चीज़ बाज़ार के पैकेट बंद अचार में नहीं होती। तो घर पर बने ऐसे कई सारे टेस्टी अचार जैसे नींबू का अचार, मिर्च का अचार, आंवले का अचार हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन सभी रेसिपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो रेसिपीज़ वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस अचार को रोटी, पराठे, दाल चावल के साथ अपने खाने का स्वाद और भी बढ़ाकर अपने खाने के स्वाद का ढेर सारे लुत्फ ले सकते हैं, इससे खाना खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई और रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे नई रेसिपीज़ देखने के लिए जुड़े रहें, बने रहें घर का खाना सेहत का खजाना के साथ। तो घर का खाएं, सेहत बनाएं और हमेशा फिट रहें। धन्यवाद, नमस्कार।